अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। 1687 को हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में हुआ और दूसरे पुत्र साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी का जन्म 14 मार्च 1681 में अपने पुत्रों के लिए धार्मिक शिक्षा के साथ। के लोग बड़े संपन्न हैं, तो जो कश्मीरी लोग हैं इनको इस्लाम कबूल करवाया जाए, तो उसने अपने लिए जिस प्रकार से वीर योद्धाओं की तरह उनके संरक्षण के लिए लड़ता रहा, और इस हिंदू संस्कृति जो आज इस देश में विराजित है गोविंद सिंह जी ने किया है। निश्चित रूप से आज चूंकि समय अधिक हो गया है, इसलिए आज की जो आवश्यकता है कि हम सब संगठित समाज के रूप में समाज सदस्यगण, चूंकि समय बहुत हो गया है और मुझे लगता है कि आज के इस अनूठे और एक बड़े इतिहास के पन्नों पर जो वीरता की बात लिखी है, उनके उस शहीद दिवस को बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में घोषित करके सिख समाज का वो बलिदान समाज के बीच में जाए, इसकी पूरी भूमिका बनाने का काम किया। निश्चित रूप से सिख समाज हिंदू संस्कृति के लिए उनको उचित स्थान मिलना चाहिए, और ये हिस्से हैं जो इस क्षत्रिय समाज के बच्चों ने पेश करने का काम किया है। हमारे हिंदुस्तान में क्षत्रियों को बाल दिवस ये जब 26 तारीख को तय किया, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में आती है वो है हमारे छोटे साहबजादे चारों को याद करके उनका उचित स्थान, उनकी वीरता को उनकी मान करना, जिन्होंने केवल अपने धर्म के लिए ही नहीं अपने राष्ट्र के लिए भी कुर्बानी देने में इतनी सी भी इतना सा भी संकोच नहीं किया, और ये वीरता। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है जो 21 दिसंबर से शुरू होता है और 27 दिसंबर तक चलता है, और इसमें है ना गुरु साहिब जी ने जो अपना सर्वस्व दान किया था, जो मतलब अपना पूरे बड़े साहिबजादे छोटे साहिबजादे जो शहीद हुए थे, माता जी जो शहीद हुई थी उनके बारे में ये प्रोग्राम होता है, और 19 तारीख से लेकर तो 27 तारीख तक रात को जपजी साहब के पाठ होते हैं 5 पाठ, और हम खुले में करते हैं ये, और सवेरे सुबह जो 6 बजे दूध की सेवा होती है, जो गरीब बाबा मोती मेहरा जी ने छोटे साहिबजादों को दूध की सेवा करी थी, जो कि उन्होंने ठंडे बुर्ज में जाके उनको दूध पिलाया था, उनको याद करते हुए सुबह ये जो दूध की सेवा हो रही है गरीबों के लिए वो की जाती है। उसमें गर्म कंबल, गर्म कपड़े बच्चों को दिए जाते हैं, थोड़ा खाने का सामान, बिस्किट वगैरह दिया जाता है। आज किस तरह से यात्रा वहाँ से निकली और क्या कहना चाहेंगे आज की यात्रा के लिए? आज की यात्रा का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने वीर बाल दिवस जो कि उन्होंने पिछले साल घोषित किया था, आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और साहिबजादों की याद में मनाया गया। हम शाम को 4 बजे एबी रोड गुरुद्वारे से पैदल रैली निकाली गई, जिसमें राजमाता जी हमारे साथ थी, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी, और यहाँ पर उसका समापन हुआ है मंदार स्मृति मंदिर में, और यहाँ पर आज प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया है, और सभी को इस बारे में अवगत कराया गया है कि जो भी साहिबजादों ने शहादत दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो शहादत दी है इस देश के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसके बारे में बताया गया है। आपका नाम और पद? कुलविंदर कौर पंजाबी। हमारे 4 साहिबजादों के लिए हम लोगों ने 19 तारीख से ए बी रोड गुरुद्वारे में सुखमनी जपजी साहब जी के 5 पाठ कर रहे हैं, समाप्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो कैसे ठंड में गए, कैसे उनको बुर्ज में रखा गया, उसी तरह हम लोग भी खुले में पाठ कर रहे हैं, उनकी याद मनाते हुए, उनको याद करते हुए हम लोग सब मिलके पाठ कर रहे हैं, और कल हमारे गुरुद्वारे में बहुत बड़ा उनकी याद में प्रोग्राम होगा। 7 दिवस में क्या क्या प्रोग्राम किए गए और किस तरह? जपजी साहब के पाठ ही रात को कर रहे हैं ना, डेली कर रहे हैं, डेली होते हैं 19 तारीख से 26 तारीख तक गतिविधि आयोजित की जाती है। इसमें सुबह सुबह जो दूध बांटने जा रहे हैं, कंबल है, खाने का सामान है, फल फ्रूट है, क्योंकि उन्होंने देखो इतनी तकलीफ उठाई थी, तो उनको याद करते हुए हम लोग भी यहाँ सोच रहे हैं कि कैसे गरीब बुजुर्ग जैसे लोग रहते हैं तो उनकी सेवा करें जाके, तो हमारे समाज में सब मिलकर सुबह सुबह सेवा करने जा रहे हैं। आज किस तरह कार्यक्रम आयोजित किया गया, कहाँ से कहाँ तक जुलूस निकला है पूरा? आज तो एबी रोड गुरुद्वारे से 4 बजे शुरू हुआ, वो सब रस्तों से होता हुआ ये मल्हार स्मृति मंदिर में आया है, यहाँ पर फिर आप पूरा उनकी पिक्चर दिखाई, उनको याद किया गया, जो
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मोदी दिया गया है, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो हमारे लिए बाल दिवस से भी ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे बच्चों को वीर बाल दिवस का नाम दिया गया है, तो हमें तो बहुत गर्व हो रहा है हमारे गुरुओं के लिए। मोदी जी को बहुत बहुत मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सब बाल रूप में या जो भी उन्होंने शहादत दी हुई है उनके बारे में सब बताया गया, पिक्चर दिखाई उसमें भी पूरा शहादत के बारे में बताया गया, कैसे बड़े वीरों ने, कैसे छोटे वीर, कैसे शहीद हुए, कैसे दीवार में चुनवाए गए, ये सब आप लोग सभी ने देखा, हमने भी देखा। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम इंद्रजीत खनुजा। समाज के चारों साहबजादों की शहादत के दिवस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार वीर बाल दिवस के नाम से घोषित किया गया है। इस दिन पे चारों साहबजादे की शहादत को याद की जाएगी और उस शहादत की कहानी और सभी बच्चों को, युवाओं को और देश भर में सबको बताने का भी संकल्प है, जिन्हें मालूम नहीं है कि एक 7 साल का, 9 साल का बालक भी क्या वीरता और शौर्य दिखा सकते हैं। ये हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम था, जो इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया है, उस इतिहास के पन्नों से बाहर निकाल कर उसे हम सबके सामने ला रहे हैं कि आज हम एक स्वतंत्र भारत में, एक हिंदू धर्म के देश में, जिसे हम हिंदुस्तान गर्व से बोलते हैं, अगर हम सिर ऊंचा उठाकर रह रहे हैं तो वो ऐसे ही शहादत के कारण है। राजीव, आज पूरे सिख समाज द्वारा शौर्य दिवस भी मनाया गया और रास्ते पर बड़े उत्साह के साथ सब निकले हैं, आप भी उसमें शामिल हुए? जी, बस उसमें शामिल होने का यही संकल्प था जो भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को निश्चित किया है, तो उस दिन की जानकारी सब तक पहुंचे और इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें।